हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पायल और आप देख रहे हैं पायल्स ग्लैम। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ग्लिसरीन की यूजेस और बेनिफिट्स। ग्लिसरीन को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आपके फेस के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, और उसी के साथ साथ आप इसको कैसे हेयर में भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ग्लिसरीन एक ऐसा चीज है जो ड्राई स्किन के सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है। ड्राई स्किन से जुड़ी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरा स्किन कॉम्बिनेशन है जिसमें ड्राइनेस का भाग ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ग्लिसरीन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और कैसे कैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ, किस किस इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं वीडियो को। तो अगर आप सोच रहे हैं ग्लिसरीन को खरीदने के लिए, तो आप इसको ज़रूर परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही चीप है और ये आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन किसी भी जगह पे आराम से आपको मिल जाएगा। 30 रुपीज़ में मैंने ये ग्लिसरीन खरीदा है लोकल केमिस्ट की स्टोर से, जिसकी क्वांटिटी है 30 ग्राम। इसके और भी बॉटल्स अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑनलाइन में भी इसको खरीद सकते हैं, बट ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन ये सस्ता पड़ता है, तो आप चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट यूजेस के। फर्स्ट यूज है फेस के ऊपर। फेस के ऊपर आप ग्लिसरीन को कैसे यूज कर सकते हैं, आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और उसके साथ आप मिक्स कर लीजिए 1 or 2 drops ऑफ ग्लिसरीन। तो मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल और उसके साथ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ग्लिसरीन। दोनों चीज को मिला ले एंड देन इसको आप फेस के ऊपर रात को या फिर दिन में जब भी आपको ठीक ठाक लगे तब आप इसको फेस के ऊपर लगा ले। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, अगर आप आपके डेली जो मॉइस्चराइजर है वो आपके स्किन के ऊपर ज्यादा अच्छे से काम करता है, तो वो मॉइस्चराइजर में आप 1 to 3 drops ऑफ ग्लिसरीन मिक्स करके भी लगवा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने मेरा जो डेली मॉइस्चराइजर है मैंने उसको लिया है, तो और उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्लिसरीन 1 या 2 drops। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड दैट्स इट। सेकेंड आता है टोनर। तो टोनर के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा रोज वाटर में 1 या 2 drops ऑफ ग्लिसरीन ऐड कर लेना है। टोनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रोज वाटर, पतंजलि का रोज वाटर मैंने यहाँ पे लिया है, और उस रोज वाटर के अंदर मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ 3 or 2 drops ऑफ ग्लिसरीन। दोनों को अच्छे से शेक कर ले। जो टोनर है ये आपके जो स्किन है उसको बहुत अच्छे से हाइड्रेटिंग रखता है, और उसके साथ साथ ये आपके स्किन को अच्छे से टोनिंग भी करता है। तो ये एक DIY टोनर है, तो आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। आता है बॉडी के ऊपर आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो रोज वाटर के साथ ग्लिसरीन ऐड करके भी आप बॉडी के ऊपर लगवा सकते हैं, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्लिसरीन मिक्स करके भी लगवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है, बहुत देर तक रखता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल, ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल है, और उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 or 3 drops ऑफ ग्लिसरीन। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो आप आपके जो डेली बॉडी लोशन है या फिर बॉडी ऑयल है उसी के साथ भी आप 1 या 2 drops ऑफ ग्लिसरीन मिक्स करके बॉडी के ऊपर अच्छे से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ग्लिसरीन को आप हेयर के ऊपर भी लगवा सकते हैं। अगर आपके हेयर बहुत फ्रिजी है, ड्राई है, स्प्रिडेंस का प्रॉब्लम है आपके हेयर के ऊपर, तो आप इसको भी, ग्लिसरीन को भी आप हेयर के ऊपर लगवा सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से लगाती हूँ ग्लिसरीन अपने हेयर के ऊपर। एक हेयर सीरम बना के मैं लगाती हूँ। तो इस जो हेयर सीरम को बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा ऐड किया है मैंने ग्लिसरीन और थोड़ा सा रोज वाटर, अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें।
तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। मैं यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप भी मार्केट वाला ही यूज़ करें, प्लान वाला ना यूज़ करें। और उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रोज़ वाटर, आप चाहे तो नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ ऐड करें थोड़ा सा ग्लिसरीन। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस जो हेयर सीरम है इसको बालों पे अच्छे से लगा लें। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल ही हेयर सीरम के तरह ही दिखता है। मिक्स करने के बाद जब भी आप अपने बालों को वॉश करें, शैम्पू करें या फिर बालों को नॉर्मली धोए, उसी के बाद आप जैसे हेयर सीरम अप्लाई करते हैं तो कुछ उस तरीके से आप पूरे भीगे हुए बालों पे अच्छे से लगा लें एंड देन उसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़। तो मैंने यहाँ पे शैम्पू किया है तो आप देख सकते हैं मेरा जो बाल है वो कम्प्लीटली गीला है। तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मेरा DIY सीरम, हेयर सीरम। बाद आप अपने बालों को कॉम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके जो नॉट्स है वो कितने आसानी से खुल जाता है हेयर के, और उसी के साथ साथ ये आपके बाल जो है बहुत ही सॉफ्ट एंड मैनेजेबल भी बना देता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस DIY सीरम को हेयर के ऊपर। तो यही थी कुछ यूजेस ग्लिसरीन की। तो अगर आपको ये यूजेस अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे आप कॉमेंट में बता भी सकते हैं कि ये वर्क किया है कि नहीं किया है। तो अगर वर्क किया है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके ऊपर वर्क किया है। तो यही थी मेरी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।